नमस्कार, आप सभी का सुनोभाष न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गांव संस्कृति बचाओ अभियान का एक एपिसोड शूट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो लोगों ने अपने गांव के बारे में कुछ जानकारी हमको दी है, अपने धर्मस्थलों के बारे में वीडियो बना के हमको भेजी है, उसको हम आगे डालेंगे और आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 12 साल के छोटे से बच्चे ने, यशमित भाटी जिनका नाम है, उन्होंने रागनी बनाई है, काफ़ी रागनी बनाई है अपने समाज के ऊपर, जिसको भी मैं आगे डाल रहा हूँ, उसको भी आप देखें और सपोर्ट करें। दोनों वीडियो अभी आगे आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर अपने गांव से जुड़ी जो भी आपकी संस्कृति है, जो भी आपका इतिहास है गांव का, उसको वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अगले एपिसोड में आपके वीडियो के साथ हम इस एपिसोड को शूट करेंगे। धन्यवाद। सभी बोले समाज को राम राम। भाई इंद्राज फिल्म चैनल पे एक गाना है, भाई यशमित ने बहुत छोटा बालक है, गुजर समाज के नेताओं के ऊपर एक गाना निकाला है, बहुत बढ़िया गाना है। सभी समाज के सभी लोगों से उम्मीद है कि सभी लोग इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो गाना अभी फिल्माया गया है, ये अभी गौतम बुद्ध नगर के जो हमारे समाज के जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनके ऊपर फिल्माया गया है। एक गाना और भाई अभी बनाने वाले हैं, वो समस्त गुजर समाज के, भारतवर्ष के जितने भी नेता हैं, महान हस्तियाँ, उनके बारे में एक गाना और बनाने जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेट्रो स्टेशन है और हम सलाहपुर गांव के शिव मंदिर में आए हैं, जो कि 101 में स्थित है। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं, यहां पे शिव जी भगवान और नंदी जी की मूर्ति है, इसको दिखा के हम आगे आपको मंदिर के पूरे दर्शन कराएंगे। आओ दोस्तों, हम शिव मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, घंटियों को कवर कर रखा है, लॉकडाउन के गाइडलाइन के हिसाब से घंटियों को कवर रखा है, जैसे कि लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मंदिर को हर दूसरे दिन सैनिटाइज़ किया जाता है। आगे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन से भगवान की मूर्तियाँ हैं। जैसे कि आप चारों तरफ देख चुके हो, यहाँ पे बहुत हरियाली है, यहाँ पे हर तरह के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि हमारे सलाहपुर गाँव के लोगों ने ही लगाए हैं। और आप ये चीज़ देख सकते हो, इस चीज़ को देखने के लिए आपको, ये हमारे गांव के कुछ सेवादार हैं जिन्होंने बहुत ही बड़ी मेहनत करने के बाद इस ओम शेप को बनाया है। देखो आप, इन चीज़ों से लगता है कि इस मंदिर में बहुत ही मेहनत से और पूरी श्रद्धा के साथ में हमारे गांववासी पूरी मेहनत के साथ में सारी चीज़ें करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे विदेशी पेड़ भी हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके अंदर फल भी हैं, यहाँ पे नींबू का पेड़ है, यहाँ पे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देने वाले पीपल है, बरगद है, यहाँ पे सब तरह के पेड़ हैं। आइए आगे चल, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे हनुमान जी की मूर्ति है। जैसे कि आप देख रहे हो, लॉकडाउन के रूल के हिसाब से इसको शीशे में कवर किया गया है, जैसे कि लोग क्या आजकल मूर्तियों को टच करते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए इनको पूरा शीशे से कवर किया गया है। ये हमारे शिव जी भगवान जी की मूर्ति है, ये साईं बाबा जी की मूर्ति है, और आगे जाके वो देवता हैं, जो 7 से 8 प्रॉपर देवता हैं, वो हमारे शनिदेव भगवान जी की मूर्ति है। उन्होंने इसे बहुत मेहनत से सजाया है, आप देख सकते हो यहाँ पर हर तरह का पेड़ है।
छायादार पेड़ों की तरफ से हम एंट्री लेते हुए, ये हमारे शिवजी भगवान जी की शिवलिंग है और ये हमारे नंदी जी हैं। ये हमारी दान पेटी है जिसमें कोई भी गांव वाला दान दे सकता है। और ये हमारा मेन मंदिर है जहाँ पे शिवजी भगवान और पार्वती जी की मूर्ति है। जो भी लॉकडाउन की वजह से अभी शट डाउन है, इसका सेफ्टी के लिए इसमें शीशा लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, देखिए शिवजी भगवान और पार्वती जी की जो मेन मंदिर है, इसीलिए इस मंदिर का नाम शिव मंदिर पड़ा है। धन्यवाद।